यस एडेनमेंट को हम बात कर रहे थे ग्रेव डिजीज की। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है प्रोट्रूजन ऑफ आईज, आंखें हमेशा ग्रेव डिजीज में जिसमें T3 T4 लेवल ज्यादा होगा आंखें हमेशा बाहर की तरफ निकली होंगी और ये थायराइड वाली प्लेस जो होगी ये प्रोमिनेंट होगी। इन लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, ये लोग बहुत एक्टिव होंगे, इंसोम्निया मिलेगा, ट्रेमर्स मिलेंगे, पल्पिटेशन मिलेगी, स्वेटिंग मिलेगी। तो याद रखना है ग्रेव डिजीज के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है T3 और T4 लेवल्स में क्या होगा मैक्सिमम T3 T4। अब जब T3 T4 लेवल ज्यादा है इसका मतलब है कि हमारी बॉडी गलत फीडबैक दे रही है हाइपोथैलेमस को। अब हमने इस फीडबैक को स्टॉप कराना है ताकि हमारे थायराइड ग्लैंड से T3 T4 मजीद रिलीज ना हो। तो याद रखना है जब भी आपसे पूछे कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट के तरीकेकार है ग्रेव डिजीज के हवाले से वो हम डिस्कस करते हैं। तीन मेथड आपने यूज करने हैं ग्रेव डिजीज को लेके। नंबर वन, आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव करा दें। ग्रेव डिजीज में जब आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कराएंगे तो T3 T4 मजीद रिलीज नहीं होगा, पेशेंट में ग्रेव डिजीज के जितने भी साइन और सिम्टम मिल रहे हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कराएंगे तो जो ट्रेकेकार्डिया था हार्ट बीट रेट 1 मिनट में 100 टाइम्स से भी ज्यादा हो रही थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने ग्रेव डिजीज के पेशेंट को देखना हो तो याद रखना है आप पेशेंट का हार्ट बीट रेट चेक करेंगे वो 1 मिनट में 100 टाइम्स से ज्यादा लाभदायक कर रहा होगा। एक फीचर पेशेंट में पल्पिटेशन भी कम होगी जब आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे। जो एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही थी पेशेंट में वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। याद रखना है स्वेट ग्लैंड्स में अगर स्टिमुलेट कराना हो या इनहिबिट कराना हो तो T3 T4 का मेजर रोल होता है। जब आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे T3 T4 ज्यादा रिलीज नहीं होगा तो ज्यादा पसीना नहीं आएगा, पेशेंट में ग्रेव डिजीज के साइन और सिम्टम रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। पेशेंट का जो वेट कम हो रहा था ऐसा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप ग्रेव डिजीज की ट्रीटमेंट कर रहे हो ट्रीटमेंट में देखें कि पहले पेशेंट का वेट कम हो रहा था ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपकी ट्रीटमेंट सही जा रही है। अगर वेट मजीद रिड्यूस हो रहा हो तो इसका मतलब है आपकी ट्रीटमेंट सही नहीं जा रही। अगेन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यह है कि आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दें। जब आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे वेट इंक्रीज होगा, पल्पिटेशन कम हो जाएगी, जो ट्रेकेकार्डिया था हार्ट बीट रेट ज्यादा थी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, जो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज है इससे भी आप बच जाएंगे, जो पेशेंट में नर्वसनेस था हर किसी से गुस्से से बात करना इरिटेशन इंसोम्निया उसमें भी कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट का जो स्लीप पीरियड डिस्टर्ब हुआ था थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने से या थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से ये नर्वसनेस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। पेशेंट में जो इरिटेशन थी अपने दोस्तों से अपने फैमिली मेंबर से जो इरिटेट हो रहा था उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। याद रखना है ग्रेव डिजीज के पेशेंट जब भी आपके पास आते हैं फैमिली हिस्ट्री बताती है डॉक्टर साहब पहले तो बड़ा ही हमारे से बड़े प्यार से बातचीत किया करता था, अब ये बड़े गुस्से से बात करता है, इरिटेट होता है, थोड़ी सी कोई आवाज़ आए तो ये बंदा इरिटेट होगा, अगर लाइट ऑन ऑफ करे तब भी इरिटेट होगा, फैम माँ बाप के साथ इसका रवैया सही नहीं है। तो याद रखना है जब भी आप ग्रेव डिजीज की ट्रीटमेंट करेंगे ये जो इरिटेशन मिल रही थी इसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। पेशेंट में जो ट्रिमर्स थे ग्रेव डिजीज के पेशेंट में ट्रिमर्स होते हैं ट्रिमर्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखना है ट्रीटमेंट को ये ग्रेव डिजीज की जो ही आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की ये कंप्लीटली सिम्टम जो ग्रेव डिजीज में क्लिनिकल फीचर आ रहे होते हैं ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, आप इनहिबिट करें थायराइड हार्मोन जो सिंथेसिस हो रहे हैं
ज्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा है, आप इसको इनहिबिट करें, इसकी जो सिंथेसिस है इसको इनहिबिट करें। वो इनहिबिट कराने के आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप बॉडी को फीडबैक ही ऐसा दें कि हाइपोथैलेमस को लगे कि नहीं आप ब्लड में T3 T4 पूरा है। वो कैसे देखें, आप इसमें डेमेनोपॉज तीन ड्रग ऑफ चॉइस ऐसी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। नंबर वन आपने याद रखना है प्रोपाइल थायो यूरिसिल, जिसे हम नाम देते हैं PTU, एक एग्जाम एमसीक्यू, मैं इसके ऊपर स्टार बना रहा हूँ। कोई ऐसा एग्जाम एमसीआई एनआरआई का ऐसा नहीं है जिसमें बार बार ये एग्जाम पूछा गया हो। सेकंड पे आपने याद रखना है कार्बिमाजोल, थर्ड पे आपने डेमेटोज याद रखना है मेथिमाजोल। ये तीन ड्रग ऑफ चॉइस ऐसी हैं जो फीडबैक को चेंज कर देगी। जब फीडबैक चेंज होगा तो हाइपोथैलेमस TRH को थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा, जब थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा वो आके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH को स्टिमुलेट नहीं करेगा, जब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH स्टिमुलेट नहीं होगा वो आके T3 T4 को रिलीज नहीं करेगा, जब T3 T4 रिलीज नहीं होगा तो पेशेंट में जो ग्रेव डिजीज के एक कंप्लीटली साइन और सिम्टम मिल रहे थे इनमें कमी आना शुरू हो जाएगी, उसकी जो हार्ट बीट रेट थी इसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी, जो पल्पिटेशन थी ये भी कम होना शुरू हो जाएंगे, जो एक्सेसिव स्वेटिंग थी इसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी, उसका वेट दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो जो नर्वसनेस की कंडीशन से गुजर रहा था उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। याद रखना, अगेन मैं इस बात को रिपीट करूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज ड्रग, जब भी आप प्रोपाइल थायोलिसिन कार्बिमाजोल मेथिमाजोल देते हो ये जाके हाइपोथैलेमस से, कहां से, हाइपोथैलेमस से TRH को इनहिबिट करती है। ये ऐसा स्लो شكرا مليار.